नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिकेट एंगल पे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम मिश्रा। तो इंडिया और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला T20 इंटरनेशनल मैच खेला जाएगा 11 जनवरी को मोहाली के पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन IS बिंद्रा स्टेडियम में इंडियन टाइम के हिसाब से शाम के 7 बजे से, यानी कि 7 PM से। तो आज की इस वीडियो में पहले T20 इंटरनेशनल मैच के लिए पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन IS बिंद्रा स्टेडियम की पिच रिपोर्ट का कंप्लीट एनालिसिस करने वाला हूं, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि इस स्टेडियम के T20 रिकॉर्ड्स क्या हैं। जबकि पहले T20 इंटरनेशनल मैच में दोनों कप्तान को टॉस जीतकर क्या करना चाहिए, इसके अलावा पहले T20 इंटरनेशनल मैच में पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन IS बिंद्रा स्टेडियम की पिच पर कौन से गेंदबाज ज्यादा इफेक्टिव साबित होंगे, स्पिनर्स या फास्ट बॉलर्स, और किसको आपको अपनी फैंटेसी 11 में लेना चाहिए। जबकि पहले T20 इंटरनेशनल मैच के लिए मोहाली की वेदर रिपोर्ट क्या है, तो इस एक वीडियो में आपको ये सभी जानकारी मिलेगी। इसलिए ओवरऑल ये वीडियो होने वाली है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव, इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, ताकि आपको क्रिकेट और IPL से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और अपडेट्स लगातार मिलती रहें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट और IPL 2024 से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज एंड अपडेट्स, इसके अलावा सभी मैचेस की एक्यूरेट प्रेडिक्शन पाना चाहते हो तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसके अलावा कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर पिंड मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट T20 इंटरनेशनल मैच के लिए मोहाली की वेदर रिपोर्ट के बारे में। तो जो वेदर फोरकास्ट निकल कर आई है इस मैच के लिए वो काफ़ी अच्छी है। अगर हम टेम्परेचर्स की बात कर लें तो जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस फोरकास्ट किया गया है। इसके अलावा मिनिमम टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस देखने को मिल सकता है, जहां इवनिंग टाइम में यानी कि मैच ड्यूरेशन में बारिश की आशंका बिल्कुल भी नहीं है और मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा। लेकिन इवनिंग में आपको काफ़ी चिली वेदर देखने को मिलेगी, यानी कि इस मैच के दौरान मोहाली में काफ़ी ज़्यादा ठंड रहेगी, तो प्लेयर्स के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। लेकिन आपको ये पहला T20 इंटरनेशनल मैच होपफुली बिना किसी इंटरप्शन के पूरा होता हुआ नजर आएगा। और अब दोस्तों बात कर लेते हैं पहले T20 इंटरनेशनल मैच के लिए पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन IS बिंद्रा स्टेडियम की पिच रिपोर्ट के बारे में। तो अगर हम ओवरऑल T20 इंटरनेशनल मैचेस की बात कर लें जो कि इस मैदान पर खेले गए हैं, तो इस मैदान पर अभी तक सिर्फ 6 T20 इंटरनेशनल मैचेस हुए हैं, जिनमें से 2 मैच फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं, जबकि 4 मैच सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं। इसके अलावा एवरेज फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 183 रन का है, तो वहीं एवरेज सेकेंड इनिंग्स का स्कोर 177 रन का रहा है। तो आप इन ओवरऑल T20 इंटरनेशनल मैचेस के स्टैट से क्लियरली देख सकते हो कि पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन IS बिंद्रा स्टेडियम की पिच पर जिस टीम ने सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग करी है उस टीम को ज्यादा एडवांटेज मिला है। इसी वजह से चेस करने वाली टीम्स ने इस मैदान पर ज्यादातर मुकाबले जीते हैं। पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन IS बिंद्रा स्टेडियम की पिच एक बैटिंग फ्रेंडली पिच है। इस पिच पर बल्लेबाजी करना पूरे मैच में काफी आसान साबित होता है, क्योंकि गेंद बल्ले पर बहुत अच्छी तरीके से आती है। इस पिच पर काफी अच्छा पेस और बाउंस मौजूद है, तो इस पेस और बाउंस को ट्रस्ट करके बल्लेबाज अपने शॉट्स काफी आसानी के साथ खेल पाते हैं, और यही कारण है कि आपको इस मैदान पर जनरली काफी हाई स्कोरिंग मैचेस देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन IS बिंद्रा स्टेडियम के जो बाउंड्री डायमेंशंस हैं वो थोड़े से बड़े हैं, जहां पर आपको स्क्वायर बाउंड्रीज 72 मीटर्स की देखने को मिलती हैं। इसके अलावा स्ट्रेट बाउंड्रीज 74 मीटर्स की हैं, तो ये मैदान थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन ये पिच पूरे मैच में बल्लेबाजों को ही सपोर्ट करती है। और पहले T20 इंटरनेशनल मैच में भी इंडिया और अफगानिस्तान दोनों टीमों के पास काफी ज्यादा स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप मौजूद होगी, तो ये मैदान भले ही बड़ा है लेकिन इस मैच में आपको एक बार फिर से काफी ज्यादा चौके और छक्के देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस मैदान पर जो 4 मुकाबले चेस करने वाली टीम्स ने जीते हैं उनमें से 2 मुकाबलों में आपको फर्स्ट इनिंग्स के स्कोर 210 के करीब देखने को मिले थे, और वो स्कोर भी 20वें ओवर में जाकर चेस हो गया था। बाकी के 2 मैचेस में आपको फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 150 के आसपास और 160 के आसपास देखने को मिला था, और वो स्कोर भी आसानी के साथ चेस हो गया था।
तो इस आंकड़े से आप क्लियरली देख सकते हो कि ये एक चेजिंग ग्राउंड है। इस मैदान पर बड़े से बड़ा स्कोर भी डिफेंड करना काफी मुश्किल साबित होता है, क्योंकि सेकेंड इनिंग्स में इस मैदान पर काफी ज्यादा ड्यू आती है, तो ड्यू आने के बाद ये पिच बल्लेबाजी के लिए और भी ज्यादा आसान हो जाती है, जिसके कारण जो टीम सेकेंड इनिंग्स में बल्लेबाजी करती है उसको एडवांटेज मिलता है, क्योंकि गेंद बल्ले पर स्किट कर आती है। इसी वजह से यहां पर बड़े बड़े स्कोर्स भी आसानी के साथ चेस हो जाते हैं, जबकि जो टीम सेकेंड इनिंग्स में गेंदबाजी करती है उस टीम के गेंदबाजों को गीली गेंद के साथ गेंदबाजी करने में काफी ज्यादा समस्या होती है। इसी वजह से यूजुअली यही देखा गया है कि मोहाली के इस मैदान पर जो भी कप्तान टॉस जीतता है वो गेंदबाजी करने का ही फैसला करता है, और इस मैच में भी मुझे लगता है कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो गेंदबाजी करने का ही फैसला करेगी, और एक बार फिर से चेस करने वाली टीम को ही इस पहले T20 इंटरनेशनल मैच में एडवांटेज मिलेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस मैदान पर खेले गए ओवरऑल मेंस T20 इंटरनेशनल मैचेस के कुछ रिकॉर्ड्स की। तो जो हाईएस्ट टोटल इस मैदान पर बना है वो ऑस्ट्रेलिया का है इंडिया के खिलाफ 211 रन 6 विकेट के नुकसान पर। लोएस्ट टोटल साउथ अफ्रीका का है इंडिया के खिलाफ 149 रन 5 विकेट के नुकसान पर। हाईएस्ट टोटल जो चेस हुआ है वो ऑस्ट्रेलिया ने किया है इंडिया के खिलाफ 211 रन 6 विकेट के नुकसान पर, और लोएस्ट टोटल जो डिफेंड हुआ है वो न्यूजीलैंड ने किया है पाकिस्तान के खिलाफ 180 रन 5 विकेट के नुकसान पर। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं इस मैदान पर खेले गए ओवरऑल T20 इंटरनेशनल मैचेस के स्कोरिंग पैटर्न की। तो 150 से नीचे का स्कोर फर्स्ट इनिंग्स में एक बार बना है, जबकि 150 से 169 के बीच में भी टीम्स ने एक बार स्कोर किया है, 170 से 189 के बीच में भी टीम्स ने एक बार स्कोर बनाया है, और 190 के ऊपर का स्कोर आपको फर्स्ट इनिंग्स में तीन बार देखने को मिल चुका है। तो ये जो ओवरऑल T20 इंटरनेशनल मैचेस के स्कोरिंग पैटर्न है वो भी आपको क्लियरली बता रहे हैं कि ये एक हाई स्कोरिंग वेन्यू है, इसी वजह से आपको ज्यादातर फर्स्ट इनिंग्स के स्कोर 190 के ऊपर ही देखने को मिले हैं। और इस मैच में भी मुझे लगता है कि अगर इंडियन टीम फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करती है तो आपको पहली पारी का स्कोर 200 के आसपास या फिर 200 के ऊपर देखने को मिलेगा, लेकिन अगर अफगानिस्तान की टीम फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करती है तो आपको पहली पारी का स्कोर 180 के आसपास देखने को मिल सकता है। और अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस मैदान पर खेले गए ओवरऑल T20 डोमेस्टिक मैचेस के रिकॉर्ड्स की। तो इस मैदान पर अभी तक टोटल 61 T20 डोमेस्टिक मैचेस हो चुके हैं, जिनमें से फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने 27 मैचेस जीते हैं, जबकि सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने 34 मैचेस जीते हैं। एवरेज फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 168 रन का है, हाईएस्ट स्कोर लखनऊ सुपर जायंट्स का है 257 रन फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स, और लोएस्ट स्कोर दिल्ली कैपिटल्स का है 60 ऑल आउट। तो आप इन ओवरऑल T20 डोमेस्टिक मैचेस के स्टैट से भी क्लियरली देख सकते हो कि T20 डोमेस्टिक मैचेस में भी जिस टीम ने सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग करी है उस टीम को ही ज्यादा एडवांटेज मिला है। इसी वजह से T20 डोमेस्टिक मैचेस में भी चेस करने वाली टीम्स ने ज्यादातर मुकाबले जीते हैं, जबकि इस मैदान पर IPL 2023 के जो 5 मैचेस खेले गए थे वहां भी आपको काफी बड़े बड़े स्कोर्स देखने को मिले थे, जिनमें से दो मुकाबलों में आपको फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 200 के ऊपर देखने को मिला था, जबकि एक मैच में फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 190 से 200 के बीच में बना था। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस मैदान पर खेले गए ओवरऑल T20 डोमेस्टिक मैचेस के स्कोरिंग पैटर्न की। तो 150 से नीचे का स्कोर फर्स्ट इनिंग्स में 12 बार बना है, जबकि 150 से 169 के बीच में टीम्स ने 16 बार स्कोर किया है, 170 से 189 के बीच में टीम्स ने 22 बार स्कोर बनाया है, और 190 के ऊपर का स्कोर आपको फर्स्ट इनिंग्स में 11 बार देखने को मिल चुका है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कि फर्स्ट T20 इंटरनेशनल मैच में पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन IS बिंद्रा स्टेडियम की पिच पर कौन से गेंदबाज ज्यादा इफेक्टिव साबित हो सकते हैं, स्पिनर्स या फास्ट बॉलर्स। तो जो लास्ट 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस इस मैदान पर खेले गए हैं अगर हम उनके रिकॉर्ड्स की बात कर लें तो उसमें टोटल 21 विकेट्स फास्ट बॉलर्स ने लिए हैं, जबकि सिर्फ 9 विकेट्स स्पिनर्स को मिले हैं। राइट आर्म फास्ट बॉलर्स ने 19 विकेट्स लिए हैं, जबकि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स को 2 विकेट मिले हैं। राइट आर्म ऑफ स्पिनर ने 1 विकेट लिया है, इसके अलावा राइट आर्म लेग स्पिनर को भी 1 विकेट मिला है, तो वहीं लेफ्ट आर्म स्पिनर्स ने 7 विकेट्स लिए हैं। तो आप इन लास्ट 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस के स्टैट से क्लियरली देख सकते हो कि हाल फिलहाल में पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन IS बिंद्रा स्टेडियम की पिच से
तेज गेंदबाजों को ज्यादा मदद मिल रही है। इसी वजह से फास्ट बॉलर्स ने स्पिनर्स के कंपैरिजन में ज्यादा विकेट्स भी चटकाए हैं। खास तौर पर जो शुरुआती 6 ओवर्स होते हैं दोनों पारियों के, यानी कि पावर प्ले ओवर्स, उसमें तेज गेंदबाजों को पिच से थोड़ी ज्यादा मदद मिलती है। उनकी गेंद हवा में स्विंग भी करती है, जबकि उनको पिच से सीम मूवमेंट और अच्छा बाउंस भी मिलता है। इसी वजह से वो आपको दोनों पारियों के पावर प्ले ओवर्स में 2 या 3 विकेट चटकाते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन इसके बाद मैच जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा तो ये पिच बल्लेबाजी के लिए काफी फ्लैट हो जाएगी और फिर तेज गेंदबाजों को भी अपने वेरिएशंस पर ज्यादा डिपेंड रहना पड़ेगा विकेट चटकाने के लिए। वहीं अगर हम स्पिनर्स की बात कर लें तो हाल फिलहाल में जो T20 मैचेस इस मैदान पर खेले गए हैं उसमें हमने देखा है कि पिच से स्पिनर्स को ज्यादा ग्रिप और टर्न नहीं मिली है, जिसके कारण स्पिनर्स ने यहां पर ज्यादा विकेट्स भी नहीं चटकाए हैं। लेकिन लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को मिडिल ओवर्स में थोड़ी ग्रिप और टर्न मिलती है, जिसके कारण लेफ्ट आर्म स्पिनर्स इस मैदान पर बहुत ज्यादा सक्सेसफुल भी साबित हुए हैं। और इस पहले T20 इंटरनेशनल मैच में भी इंडिया और अफगानिस्तान दोनों टीमों के पास कुछ क्वालिटी लेफ्ट आर्म स्पिनर्स मौजूद होंगे जो कि मिडिल ओवर्स में इफेक्टिव साबित हो सकते हैं। पर अभी भी मेरा यही मानना है कि जिस प्रकार की पिच और वेदर कंडीशंस इस मैच में रहेंगी, दोनों टीमों की तरफ से जो फास्ट बॉलर्स हैं वो आपको इस मैच में ज्यादा इफेक्टिव साबित होते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में दोस्तों मेरा आपके लिए ओवरऑल सजेशन यही रहेगा कि अगर आप फैंटेसी 11 बना रहे हैं तो आपको अपनी प्लेइंग 11 में फास्ट बॉलर्स ज्यादा लेने चाहिए इन कंपैरिजन टू स्पिनर्स, और आप 3-1 के कॉम्बिनेशन के साथ जा सकते हो, जहां पर आप 3 फास्ट बॉलर्स और 1 स्पिनर को अपनी फैंटेसी 11 में रख सकते हो। 1 स्पिनर में आप 1 लेफ्ट आर्म स्पिनर के साथ जा सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये रहा फर्स्ट T20 इंटरनेशनल मैच के लिए पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन IS बिंद्रा स्टेडियम की पिच रिपोर्ट का कंप्लीट एनालिसिस। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वहीं पर दोस्तों आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि पूरा पिच रिपोर्ट का एनालिसिस देखने के बाद आपके हिसाब से कौन सी टीम पहला T20 इंटरनेशनल मुकाबला जीतेगी। इसके अलावा क्रिकेट मैचेस की फैंटेसी प्लेइंग 11 और क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज एंड अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड गुड बाय।